खेल ग्राउंड का काम कब शुरू होगा? आजादी का अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम, अगर आप देखें पूरे देश भर में हर घर तिरंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। जब कोई पत्रकार किसी नेता मंत्री विधायक से सवाल करता है तो उस पत्रकार को ही उम्मीद रहती है नेताजी मंत्री जी विधायक जी सही जवाब देंगे और जनता को भरोसा दिलाने का काम करेंगे, आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। लेकिन एक मंत्री का वीडियो इतना वायरल हो रहा है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। देखिए वीडियो को। खेल ग्राउंड का काम कब शुरू होगा? आजादी का अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम, अगर आप देखें पूरे देश भर में हर घर तिरंगा। वीडियो देख लिया आपने? पत्रकार सवाल पूछ रहा है, साहब आप खेल ग्राउंड में आ गए हैं, यहाँ पर काम स्टार्ट कब होगा? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बहुत हास्यास्पद जवाब दे रहे हैं, कह रहे पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश की जनता अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहरा रही है, हर एक घर पर तिरंगा फहराया जा रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, दर्शकों, भाइयों, मित्रों, ये जो रिप्लाई आया है मंत्री जी का, क्या इस रिप्लाई से आप लोग खुश हैं? हंसी नहीं आ रही है? अरे भैया आप जवाब दीजिए, यहां पर काम शुरू कब होगा? लेकिन मंत्री जी के पास इस चीज का जवाब नहीं है। मंत्री जी चाहते हैं हिंदू मुसलमान किया जाए, मंत्री जी चाहते हैं हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, लेकिन जिनके पास घर नहीं है, मंत्री जी ये नहीं चाहते उन लोगों को घर दिया जाए। मंत्री जी का इशारा साफ है कि आप लोग तिरंगा फहराते रहिए, हम खेल ग्राउंड पर कोई काम करवाने वाले अब नहीं है। मंत्री जी का बयान काफी हास्यास्पद है, काफी शर्मनाक है। इतना शर्मनाक बयान कौन देगा? क्या इनकी जवाबदेही नहीं तय होती यहां पर काम कब से शुरू किया जाएगा? कोई जवाब नहीं है इसका। कारण यही है बीजेपी काम पे भरोसा नहीं करती। दोस्तों, बीजेपी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करवाने पर ज्यादा भरोसा करती है। अभी आपने देखा था इन्हीं का बयान सामने आया था, एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, इनका बयान ऐसा आता है ये हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। देखिए लोग रिएक्शंस दे रहे हैं। देखिए अतुल नाम के ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, भाजपा के काबिल मंत्री, सवाल क्या जवाब क्या दिया जा रहा है। वहीं महेश ध्रुव हैं, ये लिखते हैं प्रश्न क्या है, आप दिए गए उत्तरों से अवगत हैं, सब नौटंकी चला रहा है भारत में, अनुराग ठाकुर जी बोलने से इग्नोर किया तो ज्यादा अच्छा था, सब पेकोलॉजी बंद करो, नरेंद्र मोदी को टैग किया है। अरे भैया आपके पास जवाब नहीं था, आप कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन आप तो तिरंगा यात्रा पर बयान जारी कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। अरे साहब आप युवाओं के बारे में सोचिए, जब कोई पत्रकार पूछ रहा है यहाँ पर कब से काम शुरू किया जाएगा, जब काम स्टार्ट हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, जो देश के युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग खेल में रुचि रखते हैं, वे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, खेलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, सिल्वर मेडल लेकर के आएंगे, लेकिन नहीं, इन साहब को काम बिल्कुल नहीं करना है, इन साहब को तो हिंदू मुसलमान करना है, इन साहब को तो मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करनी है, इन साहब को तो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी करनी है, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच जो भाईचारा है वो भाईचारा टूट जाए और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहें और ये लोग 80 और 20 करवा पाए। ये लोग काम पर भरोसा नहीं रखते। इन्हीं की सरकार की एक मंत्री है, नाम है उनका निर्मला सीतारमण। जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो कहती है मैं तो लहसुन और प्याज खाती नहीं, दाम बढ़ते हैं तो बढ़ जाने दो। इन्हीं की सरकार में तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं
और अब एक बार फिर से इन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है। बताइए जब कोई पत्रकार पूछता है साहब काम शुरू कब से होगा, आप बताइए, आप भरोसा दीजिए देशवासियों को, काम इस तारीख से स्टार्ट होगा, इस तारीख खत्म हो जाएगा या इस महीने से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन काम के नाम पे ये लोग जीरो बटा सन्नाटा हैं, काम ये लोग करना नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को आग में जलाना चाहते हैं दोस्तों। ये लोग चाहते हैं देश में हिंदू मुसलमान होता रहे और अनुराग ठाकुर कपिल मिश्रा जैसे नेता उस आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, अपनी राजनीति को चमकाते रहे, जो कि देश और समाज के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी में एक और बड़े नेता हैं, उनका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इंडिया टुडे में पहुंचते हैं, वहां पर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में जब पत्रकार पूछता उनसे, बताइए आपके पास महंगाई घटाने के लिए ब्लूप्रिंट क्या है, तो साहब कहते हैं मनोज तिवारी जी, देखिए सब कुछ मोदी जी कर लेंगे, हम लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब मोदी जी कर लेंगे, आप क्या करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। वही हाल इनका है, ग्राउंड जीरो पर गए थे, पत्रकार ने पूछ लिया साहब आप बताइए काम शुरू कब होगा, साहब के पास कोई जवाब नहीं था। साहब वही है, कोई कुछ कहे तो राम नाम जपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। जब कोई एक्सप्रेसवे बनवा देता है तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं एक्सप्रेसवे हमने बनवा दिया, प्रधानमंत्री मोदी फीता काटते हैं, क्रेडिट लेने का काम करते हैं, लेकिन दरअसल एक्सप्रेसवे कोई और बनवा देता है। वही हाल लखनऊ मेट्रो का भी हुआ था दोस्तों। कुल मिला जुला करके दोस्तों साफ है, बीजेपी वालों को क्रेडिट चाहिए काम के नाम पे। मैंने पहले ही बताया ये लोग जीरो बटा सन्नाटा है, ये लोग काम नहीं करवाना चाहते, ये लोग चाहते हैं देशवासी हिंदू और मुसलमान में फंसे रहे, मंदिर मस्जिद से कभी ये लोग ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन अनुराग ठाकुर का जो बयान सामने आया है, विवादित बयान तो नहीं है लेकिन हास्यास्पद बयान है। जब मंत्री जी से सवाल पूछे जाते हैं तो मंत्री जवाब नहीं देते। इन नेताओं से जब देश हित से जुड़े हुए मुद्दे पूछे जाएंगे तो ये नेता बयान नहीं देंगे, क्योंकि इनकी देशभक्ति, इनकी राष्ट्रहित तो किसी और चीज़ में है। दोस्तों आप लोग क्या रिएक्शंस हैं, अपने रिएक्शन हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।